हमेशा कायम रहने वाला है। को जलाल दे क्योंकि तूने हमें बनाए इसलिए कि हम तेरी इबादत और परस्तिश करें। अकदाम बाप मैं शुक्रगुजार हूं कि अकदाम बाप तूने हमें मौका बख्शा कि अकदाम बाप तुम्हारे साथ रहना। अकदाम बाप तेरे पाक फरिश्ते अकदाम बाप यहां जुंबश करें। अकदाम बाप मैं दुआ मांग लेता हूं आज के अकदाम बाप सारे प्रोग्राम को अपने कंट्रोल में रखना। अकदाम बाप शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारी हिफाजत और निगहबानी करना। तू पाक है, तू कुदूस है, तू रब्बल फाज है अकदाम बाप, इसके तेरे शुक्र गुजार है अकदाम बाप। मैं दुआ मांग लेता हूँ अकदाम बाप सारी अकदाम बाप प्रस्तिश के लिए अकदाम बाप अपने अकदाम बाप जो भी अकदाम बाप तेरा खादम अकदाम प्रस्तिश कर रहे हैं अकदाम बाप उसके साथ होना। अकदाम बाप सारा जलाल सारा ऑनर अकदाम बाप तुझे मिले और अकदाम बाप उसके अकदाम बाप जुबान का जुम्मा लेना। अकदाम बाप जब जब तेरा बता अकदाम बाप प्रस्तिश करे तो उसमें अकदाम बाप शाम में हाल होना। अकदाम बाप और अकदाम बाप जितने भी लोग तेरे जुल्म बैठे अकदाम बाप एक एक को छूना ब्लेस करना अपनी भक्तों से नवाजना। और मैं खास तौर पर दुआ मांग लेता हूँ बहन के लिए जो बेटी को लीड कर रही है अकदाम बाप उसके अकदाम बाप जुम्मा लेना। अकदाम बाप अकदाम बाप जो जब जो लोग भी बोले अकदाम बाप तेरे पाक अकदाम बाप तेरे पाक नाम से बोले तेरे पाक हुजूरी में बोले अकदाम बाप। अकदाम बाप मैं दुआ मांग लेता हूँ खुदा से जो बाकी मांगा वक्त है उसके लिए खुदा की रहनुमाई मांगे और जो कुछ खुदा हमें आज सिखाना चाहता है उसके लिए अपने दिलों को तैयार करें। मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा मेहरबान के खालिक और मालिक हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए तेरी मोहब्बत और तेरे प्यार के लिए तेरी बेशबहा खुदांदा उस कुर्बानी के लिए जो तूने अपने बेटे मसीह यीशु के वसीला से हमारे लिए दी और तूने अपने बेटे को इस दुनिया में हमारी खातिर भेजा ताकि हमारी निजात का बंदोबस्त हो सके। और ये क्रिसमस का दिन जो है ये एक ऐसा पैगाम है जो बनीनो इंसानियत के लिए खुदावंद निजात का एक ऐसा बड़ा पैगाम जो सदियों के लिए है। और आज खुदावंद हम तेरे बेटे यीशु के उस जन्मदिन की खुशी को मनाने के लिए इस जगह पर मौजूद हैं। कलाम फरमाता है कि
जहां दो या तीन मेरे नाम से मिलकर जमा होंगे मैं उनके दरमियान में मौजूद हूंगा। तो हमारा ईमान है कि हमारा खुदा जो है वो वादों का सच्चा खुदा है और वो अपने वादे के मुताबिक यहां पर मौजूद है। तो हमें भी अपनी खुशी का इजहार पुरजोश तरीके से करना चाहिए। हालेलुया। पाकिस्तान हमारा घर है और पाकिस्तान में जहां हम बसते हैं मेरा और आपका फ़र्ज़ है कि हम क्रिसमस पर पाकिस्तान के लिए दुआ करें, हुकूमत के लिए दुआ करें, इसकी सरहदों के लिए दुआ करें, चर्चेस की हिफाजत के लिए दुआ करें, खुदा से दुआ करें कि इस मुल्क में अमन सुरा और सलामती से तमाम लोग रहें। क्योंकि एक तासर यहाँ है कि ये मुल्क उनका है, उनका है, उनका है। पाकिस्तान पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों का है, वो सिख हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, क्रिश्चियन हों, उन सब का है। और मज़हब हमें यही सिखाता है, लोगों के साथ रहना, लोगों को बर्दाश्त करना, लोगों के लिए बरकत जाना। एक क्रिश्चियन के ये ड्यूटी है कि वो क्रिसमस पर अहद करे कि हमें दूसरों तक इस मोहब्बत के पैगाम को पहुंचाना है। खुदावंद यीशु मसीह अमन का शहजादा है, जब वो आया है। और आज भी दुनिया में जहाँ कहीं जंग जदल हो वहाँ पर जंग को बंद कर दिया जाता है क्योंकि क्रिसमस है। ये अमन का शहजादा है। और देखिए, खुदावंद यीशु मसीह के पास ना कोई नौकर है, ना कोई फौज है, फिर भी उसे बादशाह आकर सजदा करते हैं क्योंकि वो खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह है। इसलिए उसकी सेलिब्रेशन अमन सुलह और सलामती की। और मैं खुशी के साथ ये भी कहता हूँ कि दुनिया में जहाँ कहीं क्रिश्चियन नहीं भी होते तब भी लोग क्रिसमस मनाते हैं और क्रिसमस ट्री लगाते हैं। इस बात के अलामत है कि यीशु को सब कबूल करते हैं, प्यार करते हैं और उसे खुदावंद मानते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। ऐसा ही क्रिसमस मेरे और आपके लिए मुबारक हो। God bless you. Bye bye. सारे भैन भाइयों सलाम होए, जातकां बजुर्गां ते माइयां नूं सलाम होए। एक बड़े खूबसूरत दावतनामे नूं लैके एक सद्दा है और ये सद्दा जिहड़ा है लिविंग वाटर सोसाइटी वालों है। वो एक प्रोग्राम करते पे हैं 30 तारीख, यानी 30 दिसंबर नूं, नवें साल तो एक दिन पहलों कर रहे हैं। ते 30 तारीख नूं जुम्मे वाले दिन निशात कलोनी दे विच प्रोग्राम करेंगे, जिदे च इन्होंने काफ़ी सारे इंतजाम किए, बच्चों वास्ते, खवातीन वास्ते, और बहुत सारी गेम ने, खाण पीन दवा ने, लॉटरीज ने। तुम जरूर उस प्रोग्राम शामिल होवो। उस तो अलावा लिविंग वाटर जी है, क्योंकि तुम पता है जो नेकी के काम है वह करती रही है, तो इन्हों नेकी के काम से शरीक होवो। इन्हें चैरिटी का जो काम करते हैं वो इन्हों जुड़ो। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हाँ लिविंग वाटर की सारी टीम को, पर खास तौर पर हारून यूसुफ साहब और उन्होंने खानदान को, क्यों जो बड़ा वध चढ़ के इस गल और इस काम वधा रहे हैं। और हारून यूसुफ साहब खुदावंद तुहानू ते तुहाडे चैनल नू और तुहाडे खानदान नू बहुत बहुत बरकत देवे। और मेरे वालों नवे साल ते वड्डे दिन दीआं ढेर वधाइयां। जिंदे रहो, वसदे रहो, खैर हो जाए। खुदावंद यीशु के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से सलाम। और ये आज बड़ा खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत महफिल जमी हुई है और यहाँ पर एक जमे गफीर की तरह सब लोग बैठे हैं। पास्टर नदीम का ये चर्च है जिसमें हम सब मौजूद हैं और मैं, हमें भी मदद किया है। मैं द लिविंग वाटर सोसाइटी की तरफ से उनका फाइनेंस सेक्रेटरी बात कर रहा हूं और बड़ी खुशी और मसरत के साथ कि इस महफिल में हम सब मौजूद हैं। सो मैं अपना एक पैगाम खास देना चाहता हूं कि जो हमारा एक अपना द लिविंग वाटर सोसाइटी का प्रोग्राम है जो 30 दिसंबर को होगा, जिसमें एक फैमिली फेस्टिवल है जो एक मेले की तरह है, जिसमें बहुत सारे बच्चे
नौजवान बड़े बूढ़े शामिल हो सकते हैं, जिसमें खाने का भी बंदोबस्त है और बहुत सारी चीज़ों का बंदोबस्त है और इनाम भी है। तो सो मैं कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर आएँ, इसको इंजॉइन करें। थैंक यू वेरी मच। मसीह के बाप बरकत और जलाली नाम है, आप सबको सलाम। मेरा मसीह बरादरी के लिए एक मैसेज यही है कि ये क्रिसमस के जो दिन चल रहे हैं, जिससे आप नाराज़ हों, जिससे आप खफा हो, हर किसी से सुलह और सफाई से, और ये क्रिसमस को सेलिब्रेट करें और माफ़ करें लोगों को, क्योंकि खुदा आपको भी माफ़ करे, क्योंकि खुदा ने कहा जिस तरह तुम अपने कर्ज़दार कर्ज़ माफ़ करें, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। आप दूसरों को माफ़ करो, खुदा आपको माफ़ करेगा, और क्रिसमस की खुशियाँ सब के साथ मिलकर सेलिब्रेट करें। शुक्रिया जी। जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर नदीम सैमुअल साहब, जो कि यहाँ मॉडल कॉलोनी के इलाके की जानी मानी शख्सियत हैं और बड़े अरसे से जो है वो यूथ पर काम कर रहे हैं। तो हम उनसे पूछेंगे कि वो पास्टर नदीम साहब की दावत पर यहाँ पे इस प्रोग्राम में आए और उन्होंने इस प्रोग्राम को खूब इंजॉय किया, तो क्रिसमस के मौका पर हम उनसे जानेंगे कि वो क्या पैगाम जो है अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी को देना चाहते हैं। हालेलुया, खुदा यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम इस चैनल के वसासत से आपके पास जो लाइव जो हम बात कर रहे हैं, और नदीम बशीर साहब के भी जो कैलवरी पीस मिनिस्ट्री के जो कि चेयरमैन हैं, उन्होंने ये आज क्रिसमस की सेलिब्रेशन के लिए एक जो प्रोग्राम अरेंज किया और उन्होंने मधु किया, हम उसके भी उनके भी शुक्रगुजार हैं। और मैं जो उनके साथ बड़ी देर से खिदमत कर रहा हूँ, और वो मेरे हम खिदमत हैं और पायनियर में भी हैं, और मेरा जो तल्लक है यूथ सोसाइटी फॉर क्राइस्ट, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ, और मैं भी यूथ के ऊपर ही काम करता हूँ, जो कि सिलाई सेंटर और संडे स्कूल मिनिस्ट्री जो है वो उसके ऊपर काम होता है। तो आज जो हमने मिलकर खुदावंद के नाम को ऊंचा सरबुलंद किया, क्योंकि खुदावंद के कलाम अकदस में लिखा है कि जब हम लुका तबीब के मार्फत जब हम उसका अंजीली बयान पढ़ते हैं कि बड़ी खुशी की बशारत, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बशारत है कि खुदावंद यीशु मसीह जो के मुजस्सम हुए, जो इंसान बन के इस दुनिया के अंदर आए, और उन्होंने हम सबों की दोबारा जो के बागे अदन के अंदर जो लादगी हो गई थी, जो के गुनाह की वजह से दोबारा हमारा मुलाब कराया, सुलह कराई, क्योंकि लिखा है कि मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, और खुदा यीशु मसीह ने हमारी सुलह कराई। हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं, बाबरकत लोग हैं, और मैं इसी के साथ और इसका शुक्रगुजार है कि इस चैनल के वसाद से कि हमने आप तक ये पैगाम बजाया, क्योंकि यीशु मसीह इसलिए आया कि हम जिंदगी पाए, कसरत की जिंदगी पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अभी हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अदील राव साहब, जो कि कलवी पीस मिनिस्ट्री के जो प्रोग्राम में यहाँ पे आए। सर, आपने इस प्रोग्राम को देखा और आपने इस प्रोग्राम में मतलब जो है वो पूरा हिस्सा लिया, सर आप क्रिसमस के मौका पर हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले मसीह में आप सब आपको सलाम। देखें, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कैलवरी पीस मिनिस्ट्री का कि उन्होंने हमें दावत दी और हमें इस पुरमसर मौका पर बुलाया गया। थैंक यू वेरी मच। जो क्रिसमस का जो पैगाम हमें जो मिला है वो है एक मैसेज को कन्वे करने का। जैसे मैसेज सबसे पहले मिला मुकद्दसा मरियम को, उसके बाद मैसेज दिया गया यूसुफ को, मजूसियों को, बादशाहों को, उन्होंने फील फॉर सबसे पहले क्या किया, ताबेदारी, किसी से नहीं पूछा, इन्वेस्टिगेशन नहीं की, उन्होंने खुदा की कलाम को मैसेज को रिसीव किया और उस पर अमल किया। आज हमें मैसेज जो दिया जा रहा है कलाम के वसीले से, किसी भी फरिश्ता के वसीले से नहीं, डायरेक्ट खुदा के कलाम से खुदा हमें डायरेक्ट मैसेज दे रहा है कि हम खुदा की बातों को फॉलो करें। तो ये जो क्रिसमस का त्यौहार है हमें ये मैसेज दे रहा है कि हम एक दूसरे को मिलें, मोहब्बत करें, खुशियां मनाएं, एक दूसरे से तौबा करें और ख़त्म करें दिलों में जो भी एक दूसरे के खिलाफ प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करके एक दूसरे से मिलें।
तो ये मोहब्बत का पैगाम है, यही हमें हासिल हुआ है और इसी को हमने फैलाना है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर आपका। जी अभी हमारे साथ एक और एडवोकेट मौजूद हैं, नदीमुल जमान साहब, और सर नेशनल न्यूज़नामा की स्क्रीन आपके सामने है, तो आप कलवरी पीस मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं और आप क्रिसमस के प्रोग्राम में आए, आप क्रिसमस के मौके पर हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर पहले तो हम नदीम बशीर साहब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इनवाइट किया, हमें मौका दिया कि हम यहाँ आए, और क्रिश्चियन जो हमारे भाई बहन हैं अच्छे तरीके से क्रिसमस को सेलिब्रेट करें और अपने आसपास जो मुस्तहक हैं लोग उनका भी ख्याल रखें, उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करें और अच्छे तरीके से पुरमन तरीके से क्रिसमस सेलिब्रेट करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मिंसा होम के चेयरमैन सीईओ जनाब शहजाद तारा साहब। तो सर आज आप इस प्रोग्राम में आए जो कि क्रिसमस के ताल्लुक से रखा गया, तो क्रिसमस का जो पैगाम है वो आप हमारे लोगों को, हमारी कम्युनिटी को देना चाहेंगे और किस तौर से? असल में दिसंबर है, ब्लेसिंग्स का महीना है आपको जैसे कि पता है कि, और सब हमारे जो भाई हैं बहनें हैं वो शॉपिंग करते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे खाने खाते हैं, तो ये एक खुशियों का दिन होता है जो कि सब मिलकर, और मिलने का ही नाम जो है ना वो मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि हम मिलके मनाते हैं। और जैसा कि भाई साहब ने भी प्रोग्राम करवाया है क्रिसमस का, तो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे टबरू करते हैं और एक अलग सा इसमें एक खुशियाँ आती हैं और बच्चे इतने खुश होते हैं कि इस महीने को इतना एंजॉय करते हैं कि जितना पूरे साल में किसी महीने को एंजॉय नहीं करते। तो ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, खुदा ऐसे ही हमें एक दूसरे से मिलने की तौफीक दें और बच्चों को ऐसे ही आगे बढ़ने की तौफीक दें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जी नाजरीन अभी हमारे साथ मौजूद हैं कलवरी पीस मिनिस्ट्री के चेयरमैन और फाउंडर जनाब पास्टर नदीम बशीर साहब, जिन्होंने आज बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया ख़ास करके क्रिसमस के मौके पर, और उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे एक मैसेज दिया, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने लोगों को यहाँ पे जो है वो पार्टिसिपेंट करवाया ताकि जो क्रिसमस का जो पैगाम है वो सब तक पहुँचे कि हकीकत में यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, यीशु मसीह का हमारे लिए इस दुनिया में पैदा होना हमारे लिए एक मोहब्बत का पैगाम है। तो सर नेशनल न्यूज़नामा की स्क्रीन आपके सामने है और आप क्रिसमस के ताल्लुक से और आज के प्रोग्राम के हवाले से हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए, आपकी पूरी टीम यहाँ पर आई, आप इस खूबसूरत प्रोग्राम की कवरेज कर रहे हैं, तो मैं दिल से दुआ है कि आपका चैनल इसी तरह खुदा के जलाल में और वसत पाता रहे। और क्रिसमस का ख़ास पैगाम हमारे लिए यही है कि हमने नूर की मानद चमकना है, और यीशु मसीह ने कहा है कि जो नूर को मानता है वो तरीके में नहीं चलता, तो हमें बुरी हरकतों सकनास से हमें परहेज़ करना है और हमें मुल्क पाकिस्तान के लिए और अपने मज़हब के लिए सब ने मिलजुल कर काम करना है ताकि हम मसीह के हकीकी तौर पर बदन ठहर सकें। थैंक यू सो मच जी, गॉड ब्लेस यू सर आप। सर थैंक यू। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर काशिव सागर साहब, जो कि यहाँ पे आपको क्रिसमस का पैगाम देना चाहते हैं ताकि खुशियाँ जो हैं वो और ज़्यादा दुबला हो जाए। मसीह यसु के बाबरकत नाम में आप साहब की खिदमत में सलाम। सो ये क्रिसमस का मौका है और मेरा जो मैसेज है, चूंकि मैं पेशे का टीचर हूँ, तो मेरा मैसेज नौजवानों के लिए ये है कि अपनी बुरी हरकत जो है उनको छोड़ें और जो रियल क्रिसमस है उसको मनाने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी गफलत से निकालें और बुरी आदत से निकाल कर खुदावंद की रियल लाइफ की तरह अपनी लाइफ को बनाएं और खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलें और खुदावंद की खुशियों में शामिल हों। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। जी नाज़रीन अभी आप देख रहे थे आए हुए मेहमानों की सारी बातचीत और उन्होंने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, और यहाँ पे मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि इस क्रिसमस के मौका पर यहाँ पे अलनूर टाउन में जो है वो कलवरी पीस मिनिस्ट्री ने प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया, जहाँ पे बच्चों ने टैबलो पेश किए, सॉन्ग पेश किए और उन्होंने यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशी को बड़े भरपूर तरीके से जो है वो सेलिब्रेट किया है। तो जैसे कई दफ़ा हम देखते हैं कि क्रिसमस का जो त्यौहार है वो एक इवेंट नहीं है बल्कि ये पूरा एक सीज़न है, और इस सीज़न को हम सब जानते हैं कि मुख्तलिफ़ चर्चेज़ में लोग खुशियाँ मना रहे हैं और मुख्तलिफ़ चर्चेज़ में जो है वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं ताकि
हम यीशु मसीह के जन्मदिन की इस बड़ी खुशी को सारे मिलकर जो है वो मना सकें। तो आप नेशनल न्यूज़नामा इसी तरह से देखते रहें और हम जब तक क्रिसमस के प्रोग्राम चल रहे हैं हम इसी तरह को जो मुख्तलिफ जो चर्चिज़ हैं उनके प्रोग्राम आपको दिखाते रहेंगे ताकि आप यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशी को और ज़्यादा भरपूर तरीके से नेशनल न्यूज़नामा के साथ मिलकर मना सकें। अब मुझे और मेरे कैमरामैन तारिक पैरा को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।